आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो कुछ सालों पहले मेरी तरह टेलीविजन शो होस्ट करते थे बॉलीवुड के ऊपर। तो इस इंटरव्यू के पहले मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि उन्हें इस कुर्सी पर बिठाऊंगा, लेकिन फिर सोचा अगर मैं वहां बैठ जाऊं तो जवाब क्या दूंगा, सवाल क्या होंगे, इसलिए वो वहीं बैठे हैं और मैं यहां पर। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम द डायरेक्टर ऑफ तेरी मेरी कहानी, एक्चुअली द प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ तेरी मेरी कहानी, कुणाल कोहली। कुणाल, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सो मच कोमल। कभी मिस करते हैं टेलीविजन के माध्यम को? टेलीविजन के माध्यम को जरूर मिस करता हूं, क्योंकि आपको तो पता है मैं काफी सालों से टेलीविजन में हूं, और आई थिंक आपका पहला इंटरव्यू भी मैंने लिया था जब आपका ऑफिस लैमिंगटन रोड पे था और मैं वीडियो मैगजीन्स बनाता था और मैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो मैं स्टोरीज करता था, तो आई यूज टू कम एंड इंटरव्यू यू। करेक्ट, दैट्स राइट, दैट वाज इयर्स बैक। मतलब 12-13 साल हो गए उस बात को। तो अब कैसे लगता है इंटरव्यू भर होने की जगह इंटरव्यू ही होना? अच्छा लगता है मुझे हमेशा, एक्चुअली ये साइड पे ही होना था, मुझे हमेशा से ही फिल्म मेकर ही बनना था, लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं बना फिल्म मेकर होने का, तो मैंने बोला अच्छा तो फिल्मों के बारे में बात करने से तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो मुझे लेकिन फिल्मों से जुड़ा कुछ तो मुझे करना है, तो अगर मैं बना नहीं सकता हूं मैं बात तो करूंगा। बना नहीं सकता हूं तो बिगाड़ तो सकता हूं। नहीं, ऐसा सोचते हैं लोग ये सोचते हैं कि जो फिल्म शोज प्रेजेंट करते हैं दे आर डिस्ट्रॉयर्स, आप लोगों तो बैंड बजा देते हैं, तो आपको भी ऐसे रिस्पांस मिलता था? मेरे को भी ऐसे रिस्पांस मिला है जैसे आपको आज तक मिलता है। लेकिन आपको पता होगा और आप जानते हैं कि मैंने कभी भी, चाहे आपने मुझे अच्छा रिव्यू दिया हो या ना दिया हो, मेरी फिल्में चली भी हैं और नहीं भी चली हैं। जब फिल्में चली हैं मैंने आपको ये फोन करके नहीं बोला कि थैंक यू कोमल आपने अच्छा रिव्यू दिया। जब फिल्म नहीं चली है मैंने फोन करके कभी नहीं बोला कोमल व्हाई डिड यू से दिस, मैंने कभी नहीं कहा ये। यू नो दैट इट्स, मेरे ख्याल से आप समझते हैं क्योंकि आप इस साइड भी बैठ चुके हैं। मैं उस साइड भी बैठ चुका हूं, तो मैं समझ चुका हूं कि कुछ पर्सनल नहीं होता। इट्स नॉट पर्सनल, जब एक रिव्यूअर फिल्म को रिव्यू करता है तो इट्स नॉट पर्सनल, एटलीस्ट विद यू आई नो इट्स नॉट एंड विद लॉट ऑफ अदर्स आई नो इट्स नॉट। अभी अगर पर्सनल हो तो देन दैट्स वेरी सैड। और फिर लेकिन अगर कोई पर्सनली कुछ बात करता है तो फिर ऑडियंस समझ जाती है कि अच्छा ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम निकाल रहा है। Correct. वो भी ऑडियंस समझ जाती है। ऑडियंस आजकल बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ऑडियंस हमेशा से बहुत स्मार्ट है। आई फील ऑडियंस हमेशा से बहुत स्मार्ट है। आपको तो पता है फिल्म पार्लेंस में एक बात है, एक फ्रेज है, ऑडियंस पिक्चर सूंघ लेती है। Exactly. तो ऑडियंस कैसे पिक्चर सूंघ लेती है हमें भी नहीं पता। कई बार देखा गया है लोग बोलते हैं कि यार ये पिक्चर बड़ी ठंडी है, बम्पर ओपनिंग लगती है, फर्स्ट टू शोज नहीं हिट होते हैं, फर्स्ट टू शोज फुल नहीं होते हैं, उसके बाद पिक्चर जाके ब्लॉकबस्टर हो जाती है, और कुछ फिल्में बहुत बड़ी ओपनिंग लेती हैं और फिर गिर जाती हैं। करेक्ट। पब्लिक, यू नो, ये एक गाना भी था राजेश खन्ना का, ये तो पब्लिक है सब जानती है। हम लोग सिर्फ माध्यम होते हैं। Correct. हम लोग माध्यम होते हैं, मैं माध्यम होता हूँ फिल्म बनाने का और टू टेक इट टू दी ऑडियंस। आप माध्यम होते हो आप अपना व्यूज देने को, टू टेक दैट टू दी ऑडियंस। वी आर जस्ट पीपल इन द मिडल। मगर आपको ऐसे क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, आपकी तेरी मेरी कहानी के बारे में, पब्लिक ने क्या सूंघा है? वेरी गुड क्वेश्चन। पब्लिक ने क्या सूंघा है? मैं जहां भी जा रहा हूं हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये नहीं कि अच्छा चलो हम फरीदाबाद के मॉल में चले गए या अहमदाबाद चले गए या बैंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए या मुंबई के मॉल में चले गए तो बहुत लोग आ गए। बहुत लोग आएंगे एक्टरों को देखने के लिए, लेकिन जब वो बहुत सारे लोग आपके फिल्म के डायलॉग्स प्री रिलीज बोल रहे हैं, आपकी फिल्म की शायरी बोल रहे हैं, आपके गानों के लाइनें बोल रहे हैं, आपके गाने गा रहे हैं, तो तब आपको लगता है कि अच्छा शायद हमारी पब्लिसिटी वर्क कर रही है। कि शायद इनको, उनको पता है कि मतलब हमारे डायलॉग्स क्या हैं। गाने तो फिर भी पता चल जाते हैं लोगों को, अच्छे गाने हो तो माशाल्लाह लोगों को पता चल जाते हैं, लेकिन जब डायलॉग और शायरी जब लोग बोलते हैं तब आपको लगता है हाँ यार कुछ, मेरे को लगता है कुछ सही जा रहा है। समथिंग इज वर्किंग राइट। सी, यू कैन नेवर टेल टिल फ्राइडे, यू कैन नेवर टेल टिल फ्राइडे, बट व्हेन यू सी दैट देन यू फील हाँ यार कुछ तो सही जा रहा है। करेक्ट। मगर कुणाल, आपको ये एहसास है कि जब आपका प्रमोशन शुरू हुआ था तब ट्रेड में ऐसी चर्चा थी कि थोड़ा ठंडा है, इट्स नॉट वर्किंग, बट सडनली म्यूजिक ने ऐसा जोर पकड़ा कि ये सारी बातें बंद हो गई। आपको भी एहसास है इसका? हाँ, मेरे को भी एहसास है इस बात का कि शुरू में लोगों ने बोला, शायद इसकी ये वजह हो सकती है कि शायद की पिछली फिल्म और मेरी पिछली फिल्म ना चली हो, तो लोगों के एट द बैक ऑफ द माइंड एक ऐसे एक फीलिंग आती है। आई एम वेरी ओपन अबाउट दैट, आई से इट वेरी ओपनली कि मे बी दैट्स अ रिस्पॉन्स। इफ दिस वॉज माई नेक्स्ट फिल्म आफ्टर फना, मे बी नोबडी वुड से दैट। करेक्ट। यू नो, मे बी शायद ऐसी बातें नहीं होती। एक्चुअली एक प्री कंसीव नोशन होता है, साइकोलॉजिकली इट प्लेस ऑन योर माइंड। साइकोलॉजिकली इट प्लेस ऑन योर माइंड, डेफिनेटली इट प्लेस ऑन योर माइंड। अगर आप एक हिट फिल्म से आ रहे हैं, आपका हीरो भी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म से आ रहा है,
तो कोई ऐसी बातें नहीं होती है, तो सब कुछ गर्म ही गर्म और सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन आई एम एक्चुअली ग्लैड कि ऐसा हुआ, आई एम एक्चुअली ग्लैड ऐसा हुआ, क्योंकि अभी जो है जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो गर्मी है, वो इसी फिल्म के वजह से है, किसी ट्रैक रिकॉर्ड या पिछली फिल्म के वजह से नहीं है, विच इज ऑलवेज आई फील लिटिल स्केरी बिकॉज देन यू हैव टू लिव अप टू द हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट फिल्म। नाउ वी हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस फिल्म। मेरे साथ ये हुआ है कि जब भी मैंने सेफ खेला है या जब मैं सेफ खेला हूं तो मैं आउट हो गया हूं जल्दी। रियली सी इफ यू सी मुझसे दोस्ती करोगे, वाज अ वेरी सेफ फिल्म। ऋतिक हैड गिवन द ब्लॉकबस्टर कहो ना प्यार, इट हैड रानी, इट हैड करीना, इट वाज यशराज's फर्स्ट फिल्म विद एन आउटसाइड डायरेक्टर, वेरी सेफ फिल्म, नहीं चली। हम तुम वेरी रिस्की फिल्म, सेफ हैड नॉट गिवन सोलो हिट्स, कार्टून है बीच में पिक्चर के, वेरी कॉन्वर्सेशनल फिल्म, एग्जैक्टली वैसी फिल्में पहले बनी नहीं थी। एक्चुअली उस फिल्म से सैफ अली खान को एक सोलो हीरो का दर्जा मिला, करेक्ट। तो दैट वॉज नॉट अ सेफ फिल्म एट ऑल। फना दो इट वॉज अ सेफ फिल्म, दो इट वॉज अ सेफ फिल्म, इट वॉज इट अ सेफ फिल्म। फना ऑफकोर्स, फना नॉट रियली, एग्जैक्टली। कश्मीर के ऊपर सारी फिल्में नहीं चली थी, एंड प्लस काजोल को आपने, काजोल वॉज मेकिंग अ कमबैक विद आमिर, नॉट विद शाहरुख, करेक्ट। ओके, एंड प्लस शी प्लेज अ ब्लाइंड गर्ल, प्लस शी प्लेज अ ब्लाइंड गर्ल, प्लस नहीं कश्मीर के ऊपर सारी पिक्चरें नहीं चली थी। तो लोग बोले थे यार कश्मीर के ऊपर किसको स्टोरी देखनी है, टेररिस्ट के ऊपर हु विल हैव सिंपथी टुवर्ड्स अ टेररिस्ट हु इज प्लेइंग अ रोमांटिक पर्सन, करेक्ट, नो सिंपथी फॉर दैट पर्सन, करेक्ट। पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई। फिर थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक मैंने बनाई, आई थॉट आई मेक अ चिल्ड्रंस फिल्म विद रानी एंड सैफ, व्हाट कैन गो रॉन्ग, और रानी के बाद हिट पेयर, रानी एंड सैफ आफ्टर हम तो हिट पेयर, नहीं चली। नाउ थ्री इरास, थ्री लाइफ टाइम्स, और ये एक्चुअली थ्री इरास थ्री लाइफ टाइम्स का मेन चीज ये है, इट इज अबाउट सोलमेट्स। हिंदी में हम कहते हैं जन्मों के साथी, हिंदी में कहते हैं जन्मों के साथी, वेस्ट में बोलते हैं सोलमेट्स। हम साथ फेरे क्यों लेते हैं? साथ फेरे इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम सात जन्मों के साथी हैं। अब हम कौन से जन्म में मिले, ये हमारा दूसरा है, तीसरा है, वो वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी डोंट बिलीव इन दैट, और वी डोंट वांट टू, यू नो, मतलब वी डोंट वरी अबाउट डेल्व इनटू दैट, वी डोंट वांट टू डेल्व इनटू दैट, वी आर हैप्पी, अच्छा ठीक है मिले होंगे या मिलेंगे बाद में, दैट्स ओके, बट हाँ हमारा लंबा साथ है। तो दैट्स व्हाट आई एम शोइंग, यू नो, एंड यू नो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अ फॉर्मैट व्हेन इट्स अ न्यू फॉर्मैट। हाउ डू आई एक्सप्लेन, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि देखिए मैं कहानी बता रहा हूं, रानी और सैफ हैं, वो मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, बीच में कार्टून आने वाले हैं। बोलोगे कुणाल तू क्या बना रहा है, तू क्या, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा हम तुमको। तो इसीलिए तो तेरी मेरी कहानी बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज एंटरटेनमेंट एंड रोमांस, दैट्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन थ्री डिफरेंट इराज, इन थ्री डिफरेंट, इन थ्री डिफरेंट इराज, दैट्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव। चलो मतलब आपने, एंड ऑफकोर्स विद ग्रेट म्यूजिक, with great music, exactly. With great music, I think Prasoon Joshi sahab aur Sajid Wajid ne bahut acha kaam kiya. I mean, I'm saying it now, but I'm saying it because sab log mujhe sab bol rahe hain, the response has been phenomenal for the music. Ab mahol aisa ho gaya hai ki jab tak aapke paas ek do stars nahi hai tab tak project ya film banana थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कॉर्पोरेट्स के पास आप अगर पैसा मांगने जाते हैं या फाइनेंसिंग पार्टनर लेते हैं तो कॉर्पोरेट्स आर मोर इंटरेस्टेड कि प्रोजेक्ट लाओ, खाली कहानी से नहीं चलेगा। इज इट बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ? यस एंड नो, बिकॉज एक तरफ व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी करेक्ट, लेकिन दूसरी साइड पर विकी डोनर जैसी फिल्में हिट हो रही हैं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म चली है, तो देन इट्स इवन फिल्म्स विदाउट अ स्टार कास्ट कैन वर्क, and people should remember that even films with a new star cast, like when Imran Khan was new and he did his first film Jaane Tu Ya Jaane Na, it was a blockbuster hit with a fresh boy and with a new boy and a new girl. So it's just about a film, kyunki jab this might happen ki you might not get a big opening, you might not get a big budget, you might not get all that, but you do it within the parameters of what you have and you make a good film. You can get a kahani on your hands that has done how much, 70 or 75? 72-75 crores. Yes. With only one Vidya Balan. और वो तो सिर्फ कहानी थी, आपकी तो तेरी मेरी कहानी है। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा को कैसे कास्ट करने का सोचा? Were they your first choice, both of them? For this script, yes, they were my first choice. मैं शाहिद के पास एक्चुअली कोई और कहानी लेके गया था, तेरी मेरी कहानी नहीं लेके गया था, एक और फिल्म लेके गया था जो मैं बनाना चाह रहा था शाहिद के साथ, एंड उसने वो स्क्रिप्ट दो बार पढ़ी और हमेशा बोला कि यार आई लाइक दिस स्क्रिप्ट बट आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, डू हैव एनी अदर सब्जेक्ट?
तो आई थॉट यार ये ऐसे ही पटा रहा है, अभी बोल रहा है वांट टू वर्क विद यू, जो नॉर्मल ट्रेंड जो कभी कभी ट्रेंड होता है जब एक्टर को ना बोलना होता है, तो यार मुझे तेरे साथ काम करना है लेकिन इस सब्जेक्ट पे नहीं, कोई और सब्जेक्ट लेके। तो मैंने उसको ये सब्जेक्ट सुनाई तो ही इमीडिएटली जंप ऑन इट, ही सेड आउटस्टैंडिंग आई वांट टू डू दिस फिल्म। तो ये स्क्रिप्ट लिख गया फर्स्ट हियरिंग पर ही, पूरी स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं थी, एक आइडिया था। तो ही सेड आउटस्टैंडिंग आई वांट टू डू दिस फिल्म, तो तू ये स्क्रिप्ट लिख गया। ऐसे देख अभी ये स्क्रिप्ट लिखने को मुझे 3 महीने लग जाएंगे, फिर तू स्क्रिप्ट पढ़ेगा, फिर तू बोलेगा ये वो, इफ यू रियली वांट टू वर्क विद मी एंड यू रियली लाइक दिस सब्जेक्ट तो हाँ कर, साइनिंग अमाउंट ले मेरे से, फिर मैं तेरे को स्क्रिप्ट देता हूँ 1-2 महीने में। एंड दिस आई एम टेलिंग शायद कपूर हु डजंट साइन अ फिल्म विदाउट अ फुल स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली, मतलब फिल्मी पार्लांस में मैं कहूँ तो अच्छा पटाया। नो सो ही सेड अरे यार ऐसे कैसे, मतलब मैं स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा। आई सेड यू ओनली सेड ना यू वांट टू वर्क विद मी, यू ओनली सेड यू वांट टू डू अ लव स्टोरी विद मी, यू लाइक दिस आइडिया, यू लाइक द स्टोरी, तो ही सेड तेरे पास स्टोरी है ना इसकी? आई सेड हाँ, पूरे 40-50 पेज रेडी है मेरे पास। रियल ट्रूथ वॉज आई हैड ओनली 15 पेजेस रेडी। तो बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो 15 से 50 हो सकता है, फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। तो आई सेड अच्छा, तो ऐसे तू हाँ बोल तो मैं तेरे को पूरा सुनाता हूँ। ही सेड ओके डन, तो वी डिड द डील एवरीथिंग, देन आई वेंट एंड स्टार्ट राइटिंग मोर। आई सेड स्टोरी तो याद थी, अब उसको लिखना पड़ेगा। और प्रियंका चोपड़ा कैसे आई आपकी लाइफ में? तो जब आपकी फिल्म की लाइफ में, हाँ मेरी फिल्म की लाइफ में, प्लीज क्लैरिफाई, नहीं तो शायद विल गेट एंग्री, आई डोंट नो हु विल गेट एंग्री, बट हाँ। तो देन वी कास्ट शाहिद, एंड देन शाहिद आस्क्ड मी, ही सेड ओके व्हाट डू यू थिंक, हु शुड बी द गर्ल फॉर दिस रोल? सो आई सेड यू नो आई कैन ओनली थिंक ऑफ पीसी। तो ही सेड या आई एग्री विथ यू, आई थिंक पीसी बी फैंटास्टिक। सो ही सेड व्हाई डोंट यू टॉक टू पीसी। आई वाज अर्लियर टॉकिंग टू पीसी फॉर अनदर फिल्म व्हिच डिडंट हैपन। अच्छा, मैं तो एक और शाहिद की तरह ही प्रियंका चोपड़ा से भी दूसरे फिल्म की बात, वो किसी और हीरो के साथ था। okay. वो किसी और हीरो के साथ था, वो फिल्म बनी नहीं। वी डिडंट स्टार्ट द फिल्म फॉर वेरियस रीजंस, बट आई वाज टॉकिंग टू पीसी ऑन दैट फिल्म बिकॉज आई रियली फाउंड पीसी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस। एंड यू नो आई हैव बीन फॉर्चुनेट, आप उसे फॉर्चुनेट कहो, गुड लक कहो, या जो भी कहो, आई हैव ऑलवेज हैड द बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ द टाइम वर्किंग विद मी इन माई फिल्म। You know, Rani and Bebo for Mujhse Dosti Karoge, Rani for Hum Tum, Kajal for Fana, and now PC again in Teri Meri Kahani. और आपकी फिल्म में शाहिद ज्यादा रोमांटिक है क्या प्रियंका चोपड़ा? Actually, I think मैं सबसे ज्यादा रोमांटिक, क्योंकि मैंने दोनों को रोमांस में बांध दिया। I've filled them with romance, I've given them no option but to be totally romantic. So in every scene मैंने romance कूट कूट के डाल दिया है। तो इट्स जस्ट, see, I am a classic believer in classic good Hindi cinema, good commercial Hindi commercial, cinema. गुड कमर्शियल हिंदी सिनेमा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ेगा, वो शर्माएगी, पीछे देखेगी, मुड़ेगी, हाई स्पीड पे शॉट चलेगा, उसकी जो जुल्फ है वो थोड़ी उड़ेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, यू नो, तो आई लव ऑल दैट, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो आई लाइक टू हैव दैट। आई थिंक इंडियन ऑडियंस लव्स ऑल दैट, खाली आप नहीं, मतलब सैकड़ों लोग हैं जिन्हें ये बातें बहुत पसंद आती है। तो आई लव डिलीवरिंग दैट। जब मैं अपनी फिल्म ऑडियंस के साथ देखता हूँ और ऑडियंस के चेहरे पर एक जस्ट एक स्माइल होती है ऑल थ्रू वाइल वॉचिंग द फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी, आई नो कि मेरा काम हो गया। कि यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म एंड यू हैव दिस हाई एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, आई एम हैप्पी, क्योंकि आई हैव मेड यू फील रोमांटिक, आई हैव गिवन यू दैट वार्म फीलिंग, और एज करण वन सेड, कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे, आई हैव गिवन यू दैट फीलिंग इन योर हार्ट, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। और ऐसा लगता है कि आपने ये फीलिंग दी है इस फिल्म में? I think I have achieved that in this film. Wow. I feel I have achieved that in this film. And because there's only romance in the film. Aur kuch hai nahi. There's only romance in entertainment. Even the comedy scenes have romance. Or it will be a comedy scene which will suddenly shift into a romantic scene. Okay. It'll suddenly, that so comic moment will become a romantic moment. So there's lot of romance. Kunal, अगर आप इस फिल्म के केवल डायरेक्टर होते तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, मगर आप इस फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी है, तो इस फिल्म का गणित क्या कहता है अब तक? मतलब हैव यू ऑल सोल्ड प्री सोल्ड द सैटेलाइट राइट्स जो आजकल नॉर्म है? नो, वी हैवंट प्री सोल्ड द सैटेलाइट राइट्स। कोई विशेष कारण इसका? स्टिल केप्ट द सैटेलाइट राइट्स विद अस। नो नो मेन रीजन, नो बिग रीजन, आई थिंक वी वुड जस्ट, नो मेन रीजन, आई मीन नो बिग रीजन एज सच, बिकॉज सी ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग द सैटेलाइट राइट्स, वी वॉन्ट अ गुड स्लॉट फॉर द सैटेलाइट, यू वॉन्ट कि एक अच्छे डेट पर आपकी फिल्म इवन सैटेलाइट पर आए। You know, and I think when you're confident of your product, then you don't panic and do quick sales. और कितना पैसा लग गया है इस फिल्म में? Say about 36-37. 36-37. Yeah, 36-37. Okay. And जैसा आपने कहा कि अभी सैटेलाइट राइट्स बाकी है। हाँ, obviously आप सोच रहे हैं कि पिक्चर हिट जाएगी फिर मैं धड़ाके से मांगूंगा। नहीं, I believe in one thing that everyone involved in your film
should benefit from the film and not just yourself. Money, yes. You have to see. I would like to believe that I'm a long-term player. I hope I'm a long-term player. And I want everyone associated with me to also benefit along the way so that we all have a healthy, long relationship as we go along. Final question, Kunal. Aap business ko to follow karte hi hain, aankde. Aapko kya lagta hai? Aapka first weekend kitne ka hona chahiye jisse aap khush honge? Can we, aapne program ke shuru mein bola tha na, I'll sit here, you'll sit here and I'll sit there. Now let me ask you this question. Aapko kya lagta hai hamara first weekend kya hoga? Aapki, nahi, aapki jab 36, 38 crore ki lagat hai, so I think even a weekend of approximately 15, 16 crore should be good enough. Magar weekend? Weekend. Haan. 15, 16 crore. You're talking. Net collection ki main baat kar raha hoon. Should be good enough from the point of view of the film. Haan, but how much aap khush honge, aap khush honge, of course, agar mere khayal se 24, 25 ka ho. So you're saying about 7-8 first day. 7-8 first day. 7-8 first day. Correct. You'll be happy? I would be happy. You'll be happy with 7-8 first day. 7-8, I would be really happy. Okay. Aap khush honge? I don't know. Abhi wapas aap us kursi par chale jaiye. You know, ye jo last hafta hota hai na, film release hone se pehle ka, us hafte mein jo bhi cheeze hui hai na, you actually don't, it's happening to you. But it's not, you're not digesting it. You lose perspective. You lose perspective. Correct. You really lose perspective. Correct. You really lose perspective. So I really can't say. And you know, more than anything else, I want people to like the film. Abhi main aapse puchunga, aap box office ke guru hain, pandit hain, analyst hain. Nahin, analyst hain. Aap study karte hain, kitna kuch karte hain. Agar main abhi aapko puchunga ke hum tum ka figure kya tha, aankde kya the, aapko shayad yaad nahi hoga. Correct. But main agar aapko puchunga ke aapko hum tum achhi lagi, you will say yes. So rightly put, ke finally what remains is whether you like the film or not. Yeah. Not aankde. 8 crore ya 18 crore kisi ko yaad nahi rehte. Wo kisi ko achhi thi ya buri thi? Achhi thi, buri thi, wo hamesha yaad rehta hai aapko. And I think that is what we filmmakers always strive for, ke my film should be remembered. Hum tumse badi kitni filmein hain? Kitni hit filmein hain hum tumse badi? But people remember. Still remember hum tum. There must be so many films in that year that released which must have been bigger hits, but hum tum is still remembered. I want that to happen with every film of mine. Ke haan, box office bhi kare, good to very good to excellent to brilliant box office bhi kare. But quality mein kabhi ye log ye nahi bole, acha yaar teri film ne to business bahut acha kiya lekin film nahi achhi lagi mere ko. That pains also. Kunal, aapke saath aisa nahi hoga. Humko aise lagta hai kyunki gaano ne apna jisko bolte na jadoo phaila diya hai, and people are really talking very highly of your music. So let's just hope that the film also lives up to the expectations created by the hit music. Thank you. Here's wishing you all the best, and thank you so much. Thank you so much, Kumar. To dosto, ye the Kunal Kohli. Inki film kal release ho rahi hai, तेरी मेरी कहानी, एंड इनके इंटरव्यू से ऐसे एहसास होता है दैट देयर इज सो मच एंटरटेनमेंट एंड रोमांस पैक्ड इनटू द फिल्म दैट आप इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते. तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि दिस वीकेंड इज रिजर्व्ड फॉर तेरी मेरी कहानी. आज के लिए बस इतना ही.